अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? चश्मा बनवाने जा रहे हो क्या? तो 2 मिनट इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाना कि आप समझ सको कि कौन सा लेंस आपकी आंखों के लिए बेस्ट हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं मिस्टर अब्दुल शेख यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल के ऊपर स्पेक्टिकल से रिगार्डिंग वीडियोज़ आती हैं। तो आज हम एक प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ कौन सा है वो प्रोडक्ट और कौन सा आपकी आंखों के लिए लेंस बेस्ट रहेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि चश्मा एक बेसिक से नीड बन गई है आज की डेट में हमारी आंखों के लिए, लेकिन कौन सा लेंस हमारी आंखों के लिए बेस्ट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमारे को एक हेल्दी चश्मा बनवाना चाहिए। थोड़े दिन पहले एक कस्टमर मेरे पास आए, उनके पास पुराना सा फ्रेम था। उन्होंने कहा कि बेटा मैं नाइट को ना ड्राइविंग बहुत करता हूँ, तो मुझे एक ऐसा लेंस दो जो मुझे क्लियर रहे। तो उन अंकल को वो लेने आए थे 400-500 रुपये वाला, लेकिन फिर मैंने जब उनको गाइड किया, उनको समझाया, तो मैंने कहा अंकल आंखों से देखने वाली चीज़ है, एक लेंस है बहुत अच्छी क्वालिटी का, वो लेंस आपको पड़ेगा, लेकिन होगा थोड़ा सा वो महंगा, उसका प्राइस भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो उन अंकल ने कहा कि बेटा उसमें मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो मैंने अंकल बिल्कुल दूर हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी और बहुत बढ़िया लेंस है। तो जिस लेंस को मैंने अंकल जी को प्रोवाइड करवाया है वो ब्रांड है कार्ल ज़ाइस का ड्राइव सेफ। तो ड्राइव सेफ लेंस करके एक लेंस आता है, उसकी लेंस की पैकिंग कुछ आएगी इस तरह की पैकिंग आएगी, ये पैकिंग ज़रूर ले लेना। और साथ ही इसके आता है ये एसेसरीज, जिसमें कि एक कार्ड आएगा, ये कार्ड हर लेंस के साथ आता है, तो इससे ये बिलीव नहीं हो जाता कि आपका जो लेंस है वो कौन से पावर का है, कितना इंडेक्स है, क्योंकि इसके पीछे कोई पावर मेंशन नहीं होती। देखो जीरो ब्लैंक, ये मैनुअली फिल करना पड़ता है। साथ ही आएगा क्लॉथ, इस तरह की आएगी पैकिंग। तो इस लेंस को जब भी आप खरीदो, जैसे आप मैंने आपको बताया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा है, तो उसके लिए आपका ज़ाइस का ब्लू प्रोडक्ट आता है, वो आप ले सकते हो। अगर आपका क्या कहते हैं कि ड्राइविंग भी हो और आपका ब्लू गार्ड का भी काम करे, तो वो आप ले सकते हो। आपका एक ब्लू गार्ड लेंस आता है ब्लू कट के अंदर, तो ब्लू गार्ड इनका टॉप एंड वेरियंट आता है, लोवेस्ट प्राइस के अंदर बहुत अच्छा, 3400 की MRP के अंदर आता है, 1.50 इंडेक्स के अंदर। ये वाला जो है इंडेक्स 1.56 है, तो इसमें भी ध्यान देना है। अगर आप लेना चाहते हो ड्राइव सेफ, रात की क्लैरिटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर कि आपको कितनी अच्छी क्लैरिटी आपको मिल रही है। ये ज़ाइस की वेबसाइट से वीडियो मैंने ली है और आपको मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्लैरिटी का मेन फंडा है क्या। तो ड्राइव सेफ वाकई में बहुत अच्छा लेंस है, और कस्टमर को मैंने जब दिया है उनको एक बार ट्रायल भी करवाया है कि सर आप एक बार लगा के देखो कि आपको फ़र्क कितना पता चलता है इसके अंदर। तो ये थी ड्राइव सेफ लेंस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और इस लेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एक कस्टमर को मैंने पहले ट्राई भी करवाया है, उनको दिखा भी दिया है कि सर एक्चुअली आप लगा करके देखो और डिफरेंस देखो फिर आप लगवाना। तो सबसे पहले कस्टमर को बाय करवाया, उनको ये लेंस की पैकिंग दिखाई, सेटिस्फेक्शन दिलाया, और उनको ये लेंस एज अ इस टाइप में उनको लगा करके मैंने चेक भी करवाया और डिफरेंस देखा उन्होंने, तब जाकर उन्होंने कहा कि हाँ बेटा आप ये मुझे लगा दो, बहुत अच्छा लेंस है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, तब उन्होंने ये परचेज़ किया। बिलिंग मैंने करवा दी थी और बहुत अच्छा लेंस है। तो अब आता हूँ इसकी ओरिजिनलिटी के पास, इसकी ओरिजिनलिटी मैं बताता हूँ आपको किस लेंस की ओरिजिनलिटी क्या है। सब लोगों को लगता है कि यार ये कार्ड मिल गया, ये क्लॉथ मिल गया, तो ये इसका ठप्पा लग गया कि ओरिजिनल है। नहीं, इस कार्ड के ऊपर नहीं, इस कार्ड के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है ऐसी, इसको हम मैन्युअली फिल करते हैं। इंफॉर्मेशन अगर इसकी पूरी की पूरी चाहिए तो वो है इस रैपर पे, जिस रैपर के अंदर ये लेंस आया है। मैं यहाँ पे डालता हूँ और सब देख लेना आप कि कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर जो लिखा हुआ आपको मिलेगा वो है आपका स्फेरिकल AS, दूसरा मिलता है इसके अंदर आपकी यहाँ पे आ जाती है पावर, फिर आता है इसका कौन सा प्रोडक्ट है, ड्यूराविजन ड्राइव सेफ यहाँ पे लिखा हुआ आता है, तो ड्यूराविजन ड्राइव सेफ आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंडेक्स 1.5 इंडेक्स, 1.56 इंडेक्स है। क्या होता है, बुक करवाते हो 1.56 और शॉपकीपर को जाकर के बोलते हो कि मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा दे दो, तो वो क्या करेगा, डिस्काउंट तो दे देगा बट ये रैपर नहीं देगा। इसके 1.56 और 1.50 में 1000 रुपये का डिफरेंस है MRP पे, ठीक है। 3300 रुपीज़ का 1.50 इंडेक्स आता है, MRP है उसकी, और 4300 1.56 की MRP है, तो ये ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है। तो ये ज़रूर देख लेना और ये रैपर ज़रूर लेना ताकि पता लगे कि कौन सा इंडेक्स बुक करवा के आपको कौन सा इंडेक्स उसने चेप दिया, ठीक है।
थोड़े दिन पहले की बात है, एक कस्टमर आया था, वो बंदा हमारे को कह रहा है कि यार मेरे को तो 40% का डिस्काउंट मिला इस लेंस के ऊपर, आप मुझे इतना कम डिस्काउंट क्यों दे रहे हो। तो मैंने सर कौन सा लेंस लगाया, कह रहा है ज़ाइस का ही लगवाया था मैंने, ब्लू प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया हुआ है। मैंने ब्लू प्रोडक्ट में कौन सा वाला लेंस, कितनी एमआरपी वाला, तो उसने मुझे बताया 1.56 के इंडेक्स मैंने बाई किया। तो मैंने आपको कैसे पता, तो क्या उसने मुझे ये कार्ड दिया, मैंने कहाँ लिखा हुआ है, तो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे पे। मैंने कितनी पावर है, -1.25 उनकी माइनस पावर थी और 0.5 सिलेंड्रिकल पावर था उनका। तो मैंने कहा सर आपको अगर यही चाहिए ना तो मैं ये भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे गेम है, आपने ये रेफर लिया था, तो कह रहे नहीं। तो मैंने कहा बस वो यहीं पे खेल गया आपके साथ, अगर ये रैपर आपने नहीं लिया तो आपको उसने 1.50 इंडेक्स लगाया होगा। खैर ऐसा कैसे हो सकता, मैंने कि आपको कैसे पता फिर ये ओरिजिनल आपने जो लिया है 1.56 ये वही है, नहीं है ना। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों को मेरा काम है गाइड करना, ताकि आप अच्छे से अच्छी चीज़ खरीद सको, जो आपको जिस चीज़ के आप पैसे दे रहे हो आपको वो चीज़ एटलीस्ट मिले। समझदार रहोगे तभी मिलेगा, वरना इन सब छोटी छोटी चीज़ों के अंदर शॉपकीपर आपके साथ गेम खेल जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं इस स्पेक्टिकल के ऊपर, देख सकते हो किसी अंकल का चश्मा है, बहुत पुराना फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर ड्राइव सेफ उन्होंने फिट करना है। बोले बेटा मेरे को बस फ्रेम, मैंने कहा अंकल फ्रेम आपका ठीक है, फ्रेम में पैसे मत खर्च करो, कोई भी अगर आपका फ्रेम आपका ठीक होता है ना तो जनरली कोई भी शॉपकीपर उनको फ्रेम बेच देता है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका फ्रेम ठीक है, लेंस आप प्रोवाइड करवाओ, लेंस उसी में लगवाओ, ज़्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं, लेंस पे पैसा एक्सपेंड करो, फ्रेम उतनी बहुत बड़ी वाली चीज़ नहीं है। अगर हाँ फ्रेम लेना तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेम है तो आपको पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रेम है, इसके अंदर हमने जाना है ड्राइव सेव फिट करने के लिए, बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो करता हूँ इसको फिट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ इसकी लुक एक की, और दूसरा इसकी एक ओरिजिनलिटी की मेन पहचान है। ये तो चीज़ें अपने देख ली जो आपको समझ में आया, मैंने बताया आपको कि आपको क्या क्या चीज़ चेक करना, और एक चीज़ और चेक करनी है, इसके अंदर जो लोगो आता है वो इस टाइप का आएगा, ज़ाइस का लोगो होगा और साइड में लिखा होगा नीचे उसके DS ड्राइव सेफ, अगर आप लेते हो सिर्फ इस पर लिखा हुआ था, ड्राइव सेफ वाले पे DS नीचे लिखा हुआ था, तो ये भी ज़रूर चेक कर लेना आपने, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो को करते हैं ख़त्म। आप लोग अपना प्यार इसी तरह से वीडियो पे दिखाते रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, आपका एक लाइक थोड़ा सा मोटिवेट करता है मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने के लिए, बड़ी मेहनत से टाइम निकाल करके मैं वीडियो बना पाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, चलता हूँ, जय हिंद।